गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे इन योर जीके बुक वी विल डू चैप्टर नंबर ट्वेल्व फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड आज हम आपकी जीके बुक में चैप्टर नंबर ट्वेल्व फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड करेंगे ओके क्लास फ्लैग्स मींस झंडा हर कंट्री का हर देश का एक झंडा होता है एक फ्लैग होता है डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग देश के अलग अलग झंडे होते हैं ओके लाइक द इंडियन फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है जो इंडियन फ्लैग है जो इंडिया का फ्लैग है उसे हम क्या कहते हैं ट्राई कलर ट्राई कलर या फिर तिरंगा भी कहते हैं ओके बिकॉज इट हैज थ्री कलर्स उसे ट्राई कलर क्यों कहते हैं ट्राई मीन्स थ्री ट्राई मीन्स थ्री तो इंडियन फ्लैग को हम ट्राई कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें थ्री कलर्स हैं तिरंगा तीन रंगों वाला है हमारा जो फ्लैग है वो तीन रंगों वाला है तिरंगा है एक्सरसाइज करने से पहले हम अपने इंडियन फ्लैग के बारे में अपने तिरंगे के बारे में ट्राई कलर के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे क्लास दिस इज़ अवर फ्लैग ये हमारा फ्लैग है आप सब ड्रॉ करते, करते हो ना क्लास में ड्रॉ करते हो कलर्स करते हो उसमें है ना सबको आता है इंडियन फ्लैग बनाना इस फ्लैग को हम क्या कहते हैं तिरंगा या फिर ट्राई कलर ओके okay. इसमें थ्री कलर्स होते हैं तीन कलर होते हैं सेफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन इन थ्री कलर्स के अलावा इसमें ये एक व्हील होता है ये चक्र होता है जिसे हम कहते हैं अशोक चक्र इस चक्र को हम कहते हैं अशोक चक्र ये किस कलर का होता है ये होता है ब्लू कलर का क्लास अब जो हमारे नेशनल फ्लैग में जो थ्री डिफरेंट कलर्स हैं और जो व्हील है ब्लू व्हील है उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो सब हमें क्या क्या बताते हैं वो कलर्स किसे इंडिकेट करते हैं उन कलर्स का मतलब क्या है सबसे पहले हमारे पास है सेफ्रॉन सेफ्रॉन मतलब केसरिया कलर केसरिया ठीक है केसरिया हमें क्या दिखाता है केसरिया देखकर हम क्या सीखते हैं केसरिया कलर हमें सिखाता है करेज करेज मतलब हिम्मत हिम्मत रखनी सिखाता है दूसरा है सेक्रीफाइस त्याग करना कुर्बानी देना ओके तो करेज मतलब हिम्मत और सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना कुर्बानी देना तो जब हमारे हमें इंडिपेंडेंस मिली तब बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह राजगुरु ये सब जो थे ये फ्रीडम फाइटर्स थे इन्होंने कुर्बानी दी कुर्बानी मतलब सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को अपने जीवन को अपने देश के लिए ओके तो फर्स्ट जो कलर है जो सेफ्रॉन कलर है जो केसरिया कलर है वो हमें क्या सिखाता है कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए और हमें देश के लिए त्याग करना चाहिए ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव वाइट कलर दूसरा है वाइट वाइट मतलब सफेद सफेद कलर हमें क्या सिखाता है सेकेंड इज सफेद सफेद हमें क्या सिखाता है सफेद कलर हमें सिखाता है ट्रुथ एंड प्योरिटी ट्रुथ मीन्स सच्चाई सच्चाई ईमानदारी और प्योरिटी मीन्स प्योरिटी मीन्स पवित्रता ठीक है सफेद कलर हमें क्या सिखाता है वाइट कलर हमें क्या सिखाता है सच्चाई सच पर चलना हमेशा सच का साथ देना हमें हमेशा सच बोलना और दूसरा पवित्रता पवित्र रहना पवित्र मतलब किसी के साथ भी धोखा नहीं करना अपने मन में किसी के लिए धोखे के लिए नहीं सोचना अपने मन में किसी का बुराई नहीं सोचना हमेशा अपने मन को पवित्र रखना हमेशा अपने मन को साफ रखना यह हमारा सेकंड जो कलर है सफेद वो हमें सिखाता है थर्ड इज ग्रीन ग्रीन मींस हरा हरा कलर हमें क्या बताता है ग्रीन कलर हमें क्या बताता है फेथ सबसे पहले फेथ मतलब विश्वास हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए और हमें अपने देश पर विश्वास होना चाहिए नेक्स्ट इज फर्टिलिटी फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन उपजाऊपन मतलब हमारा जो देश है हमारे जो देश की धरती है उस पर बहुत सारे खेत है ना ठीक है तो ये जो ग्रीन कलर है उन खेतों को दिखाता है मतलब ये उन खेतों को रिफ्लेक्ट करता है हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है मतलब उसकी जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है वहाँ पर हम बहुत तरह के जो फसल है वो उगाते हैं थर्ड इज़ ग्रोथ ग्रोथ मतलब विकास विकास मतलब किसी चीज़ का बढ़ना किसी चीज़ का इंक्रीमेंट होना किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना बढ़ना किसी चीज़ का मतलब जैसे हमारा जो इंडिया है हमारा जो देश है भारत वो आगे बढ़े उसकी ग्रोथ हो हमारे इंडिया की ग्रोथ हो वो बहुत ही ज़्यादा विकास करे अलग अलग क्षेत्र में हर जगह में वो हर जगह से वो आगे विकास करे फिर आता है हमारा ये व्हील अशोक चक्र अशोक चक्र हमें क्या बताता है अशोक चक्र अशोक चक्र हमें बताता है इसे हम कहते हैं व्हील ऑफ वर्च्यू व्हील ऑफ वर्च्यू वर्च्यू मतलब वर्च्यू मतलब नैतिक गुण नैतिक गुण नैतिक गुण मतलब जो हमारे गुड मैनर्स हैं जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं उन मॉरल वैल्यूज़ को उन नैतिक गुणों को हम अपने अंदर लेकर चलें हमेशा अपने साथ लेकर चलें और फिर उन नैतिक गुणों से क्या होगा हमारा मोशन और ग्रोथ मतलब कि हमारा मोशन और ग्रोथ मतलब विकास हमारा विकास होगा हम आगे बढ़ेंगे हर जगह में हम सक्सेसफुल होंगे हमें ऊंचाइयां मिलेंगी ओके okay, क्लास ये जो व्हील है इसमें ये लाइंस देख रहे हैं ना ये जो लाइंस बनी हुई है ये लाइंस को हम कहते हैं स्पोक्स अशोक चक्र में टोटल ट्वेंटी फोर स्पोक्स होते हैं कितने स्पोक्स होते हैं टोटल ट्वेंटी फोर स्पोक्स इन ट्वेंटी फोर स्पोक्स का अलग अलग नैतिक गुण होता है मतलब ये जो पूरे व्हील है ये जो अशोक चक्र है वो ट्वेंटी फोर वर्च्यूज को दिखाता है ट्वेंटी फोर वर्च्यूज को ट्वेंटी फोर नैतिक गुणों को ये दिखाता है ओके okay, क्लास ये हमने पढ़ा अभी अपने कलर्स के बारे में जो सारे कलर्स हमारे फ्लैग में आते हैं अलग अलग कलर क्या क्या हमें बताते हैं क्या क्या हमें सिखाते हैं ओके okay. अब हम जानेंगे कि नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया था हु इज द डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग तो नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग किसने बनाया था डिजाइन मींस बनाना किसने बनाया था कि नेशनल फ्लैग ऐसा बनेगा हमारा पिंगली वैनकैया तो पिंगली वैनकैया थे जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया इसका डिजाइन बनाया कि उन्होंने बनाया पिंगली वैनकैया जी ने ओके क्लास ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा इंडिया के नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा ओके अब हम बुक की एक्सरसाइज पर आते हैं यस क्लास ओपन पेज नंबर टू हंड्रेड फोर्टी टू फोर जीरो पेज नंबर खोलेंगे फर्स्ट फ्लैग देखते हैं फर्स्ट फ्लैग किसका है फर्स्ट फ्लैग आपका ये ब्लू कलर का एक ब्लॉक बना हुआ है उसमें स्टार्स बने हुए हैं और ये रेड एंड वाइट इसमें लाइंस बनी हुई है ये किसका फ्लैग है कौन सी कंट्री का ये फ्लैग है ये फ्लैग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूएसए का तो यहाँ पर आप लिख देंगे वन कोई भी लाइन से मैचिंग नहीं करेगा लाइन्स ड्रॉ करके किसी ने भी मैचिंग नहीं करनी है नंबर्स डालेंगे ओके सेकेंड फ्लैग किसका है जिसमें थ्री कलर्स बने हुए हैं ब्लैक रेड एंड येलो कौन सा फ्लैग है ये ये फ्लैग है जर्मनी जर्मनी के आगे आप लिख देंगे टू नेक्स्ट थर्ड फ्लैग किसका है ये जो ग्रीन कलर का इसमें वाई है और रेड और ब्लू कलर है इसमें ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है ये फ्लैग है साउथ अफ्रीका का तो साउथ अफ्रीका पर आप थ्री लिख देंगे नेक्स्ट यहाँ पर रेड कलर की इसमें ये डिजाइन बना हुआ है और बा, बाकी ब्लू कलर का है ये ये किस कौन सी कंट्री का है यूनाइटेड किंगडम्स ये फ्लैग है यूनाइटेड किंगडम्स का तो यूनाइटेड किंगडम्स पर आप फोर लिख देंगे ओके क्लास नाउ कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर टू हंड्रेड फोर्टी वन टू फोर वन पर आएंगे यहाँ पर देखिए फर्स्ट कौन सा फ्लैग है रेड कलर का फ्लैग है और उसमें येलो स्टार्स बने हैं ये किसका फ्लैग है ये फ्लैग है चाइना का तो चाइना के आगे आप लिख देंगे फाइव नेक्स्ट नेक्स्ट फ्लैग देखेंगे किसका है व्हाइट एंड ग्रीन कलर का ग्रीन कलर के ऊपर वाइट कलर का मून बना है और स्टार बना है वाइट ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है ये फ्लैग है पाकिस्तान पाकिस्तान पर आप सिक्स लिख देंगे सेवन्त, सेवन्त किसका फ्लैग है फ्लैग देखेंगे इसमें ब्लू कलर का बेस है यहाँ पर ये रेड कलर से डिजाइन बना है और वाइट इसमें स्टार्स हैं ये फ्लैग है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पर आप लिखेंगे सेवन। नेक्स्ट फ्लैग नेक्स्ट फ्लैग में थ्री कलर्स हैं अगेन कौन कौन से कलर हैं ग्रीन वाइट एंड रेड ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है ये फ्लैग है इटली का यहाँ पर आप लिखेंगे एट क्लास लास्ट में आपको दिया है नाउ आई नो व्हाट डू आई नो क्या पता चला हमें क्या हमें जानना है द स्टडी ऑफ फ्लैग्स इज कॉल्ड वैक्सीलोलॉजी जब हम फ्लैग्स का स्टडी करते हैं फ्लैग्स को स्टडी करते हैं फ्लैग्स के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं हम जी क्या कहते हैं वैक्सीलो लॉजी ओके क्लास दिस वाज ऑल योर चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर नंबर ट्वेल्व के बारे में ये सब था फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड इसकी हमने एक्सरसाइज की है बुक एक्सरसाइज अब इससे रिलेटेड आपको एक वर्कशीट भेजूंगी वो वर्कशीट आपको करनी है ओके क्लास थैंक यू